आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो रही है। इस बैठक में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महामंत्री श्री अनंत कुमार जी बैठक में पूरे समय मौजूद हैं। आज की बैठक में चुनाव समिति प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्याशी चयन की दृष्टि से जो प्रक्रिया प्रत्याशी चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, कार्यकर्ताओं से राय संभाली, सर्वे का फीडबैक और बहुत सारे कार्यकर्ता इस बीच में भोपाल में आए, उनके द्वारा दी गई जानकारी, हमारे पदाधिकारी नीचे तक गए बात करने के लिए, उनके द्वारा उपलब्ध जानकारी, ये सभी प्रकार की जानकारियां चुनाव समिति के समक्ष रखी हैं। चुनाव समिति 230 सीटों पर विचार विमर्श कर रही है। यह बैठक आज चलेगी, यह बैठक कल भी चलेगी। इस बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा, जो सूची बनेगी, वह अनुसूचित सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 31 अक्टूबर को संभवतः होगी। केंद्रीय चुनाव समिति जो फैसला करेगी वो प्रत्याशी चयन की दृष्टि से अंतिम फैसला होगा। आज की इस बैठक में हम विचार विमर्श कर रहे हैं सारे गुणदोष के आधार पर, और जो प्रस्ताव का मसौदा तैयार होगा वह प्रस्ताव का मसौदा केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। आज की चुनाव समिति में सारी प्रक्रिया के विश्लेषण को रखने के पश्चात हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में और हमारी जो भूमिकाएं इस बीच में रही हैं उस विषय में भी सारी बात चुनाव समिति के समक्ष रखी है। केंद्रीय चुनाव समिति जब निर्णय करेगी वह फैसला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन की दृष्टि से अंतिम फैसला होगा। प्रत्याशी चयन का फैसला केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। जो फैसला वो लेगी वह अंतिम फैसला होगा। जब अंतिम फैसला होगा तब आप जोड़ के देखिएगा कि कितने को मिले कितने को नहीं मिले। अभी बैठक चल रही है, लगभग अभी 85 सीटों पर चर्चा हुई है और आगे चर्चा जारी है।